हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोम्बई डॉग ब्रीड के बारे में। आखिर ये डॉग ब्रीड कैसी है? ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड है साउथ साइड के अंदर, और इसके अगर आपको ब्रीडर भी जानने हैं तो वो साउथ साइड के अंदर ही मिल पाएंगे। अगर आप इस डॉग ब्रीड को खरीदने में इंटरेस्टेड हो, इसके फैक्ट्स जानना चाहते हो, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। साथ में मैं आपको इसका एक एस्टिमेटेड प्राइस भी बता दूंगा, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा और किस तरीके से आप डॉग का सिलेक्शन कर सकते हो कोम्बई के अंदर, वो भी मैं बता दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोम्बई डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा लॉयल डॉग ब्रीड, आपको इसकी लॉयल्टी से रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में डॉग ब्रीड इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है, आपको इसकी ट्रेनिंग से रिलेटेड काफ़ी कम टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। बाकी ये चीज़ है, अगर आपने पहले जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर पाले होंगे तो उसके मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेंगे, लेकिन बाकी डॉग के मुकाबले ये काफ़ी अच्छी डॉग ब्रीड है, जल्दी कमांड सीख लेती है। लेकिन इन माइग्रेशन की बात करते हो तो इन माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है दूसरे डॉग्स के साथ भी और दूसरे एनिमल्स के साथ भी, साथ में छोटे बच्चों के लिए भी कई केसेस में एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अर्ली ऐसे जब भी आप पपी लेके आओ घर के अंदर, तो उसे दूसरे पैट्स के साथ में छोटे बच्चों के साथ में ज़रूर सोशलाइज कराओ, जिससे कि उसका एग्रेशन लेवल थोड़ा सा कम होए। क्योंकि कोम्बई डॉग ब्रीड एक हंटिंग डॉग ब्रीड है, इसका एग्रेशन लेवल वैसे ही काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। बाकी ये डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छे तरीके से आपके घर का गार्ड डॉग भी बन सकता है और वॉच डॉग का काम भी काफ़ी बेहतरीन तौर से कर सकता है। तो अगर आप एक अच्छा गार्ड डॉग देख रहे थे तो कोम्बई आपके लिए एक अच्छी चॉइस साबित हो सकता है। फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए मैं जल्दी से ये डॉग ब्रीड सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो फिर भी पालना चाहते हो, तो आप ये कोशिश करना कि आपके नोन टू में कोई ऐसा जना हो जिसने आज से पहले डॉग पाले हो, वो आपको थोड़ा बहुत डॉग के बारे में बता सके, तो आप तब जाके डॉग ले सकते हो। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट डॉग पालोगे कोम्बई जैसी, तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसमें एक एनर्जी लेवल भी हाई है, दूसरा एक हंटिंग डॉग ब्रीड है, तो इनका बिहेवियर का भी डिफरेंस पड़ जाता है। तो इसके चलते मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके नोन टू में कोई है तो आप बेझिझक ले सकते हो। बाकी आप इस डॉग ब्रीड को अपार्टमेंट में ईजिली रख सकते हो, लेकिन अगर आपका अपार्टमेंट 3 BHK का है, अगर 3 BHK से छोटा अपार्टमेंट है, तो आप कोम्बई जैसी डॉग ब्रीड को मत रखना, आप भी परेशान होगे, साथ में आपका डॉग भी सफ़र करेगा। तो इसके जगह आप किसी और डॉग ब्रीड की तरफ स्विच कर सकते हो इस केस में। बाकी कोम्बई को आप इजीली हॉट क्लाइमेट में रख सकते हो, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ठंड के टाइम आप इन्हें कपड़े पहना सकते हो। कोम्बई का हेल्थ इशू भी काफ़ी कम है बाकी डॉग्स के कंपैरिजन में। इनमें मोस्टली जो कॉमन हेल्थ इशू होते हैं डॉग्स के, वही हैं हिप डिस्प्लेशिया, एल्बो डिस्प्लेशिया, थोड़ी बहुत स्किन प्रॉब्लम्स, ईयर रिलेटेड इन्फेक्शंस, बाकी इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती ज़्यादा। बाकी ये डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छी गार्ड डॉग है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। साथ में अगर आप इसे अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देते हो तो इसमें आप एग्रेशन को भी काउंटर कर सकते हो। बाकी कोम्बई डॉग ब्रीड की एक्सरसाइज नीड काफ़ी ज़्यादा होती है बाकी डॉग्स के मुकाबले, तो इस चीज़ को आप ज़रूर कंसीडर करना। अगर आपके पास टाइम नहीं है अपने डॉग को टाइम देने के लिए, कि आप उसे घुमाने नहीं ले जा सकते, उसकी रनिंग पे नहीं ले जा सकते, तो कोम्बई आपके लिए डॉग ब्रीड नहीं है, आप किसी और डॉग ब्रीड पर उस टाइम स्विच कर सकते हो। लेकिन जो बंदे कोम्बई को लेना चाहते हैं, तो मैं उन्हें एक चीज़ बताता हूँ, कोम्बई डॉग का जो स्टार्टिंग प्राइस होता है वो आपको पड़ता है 10,000 to 15,000 में स्टार्टिंग प्राइस है, जिसमें आपको एक प्योर पप्पी मिलने लग जाएगा। और जो आपको पपी मिलेंगे वो मोस्टली आपको साउथ साइड में मिलेंगे, क्योंकि नॉर्थ साइड में इनकी ब्रीडिंग काफ़ी कम होती है। जहाँ तक मुझे पता है कि मोस्टली साउथ साइड में ये डॉग पॉपुलर है, तो अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप साउथ साइड में जाके वहाँ पे प्रॉपर मदर फादर को देख के, साथ में पप्पीज़ का बिहेवियर देख के, फिर आप अपनी पसंद से पप्पी लेके आओ खुद जाके। अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो तो उसमें आपको डॉग का बिहेवियर पता नहीं चलता, कौन सा पप्पी आपके लिए ज़्यादा फ्रेंडली है, तो आप क्या कर सकते हो, खुद जाके वहाँ पे जाके देख के पप्पी को डिसाइड करके फिर ला सकते हो, जिससे कि आपके पास एक अच्छा पप्पी आप अपनी पसंद से लेके आओ और वो डॉग आपके साथ हमेशा खुश रहे। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। बाकी आप लोग ये बताना कि कोम्बई डॉग ब्रीड से आप बाकी डॉग ब्रीड का कंपैरिजन देखना चाहते हो नहीं चाहते, और कोम्बई डॉग ब्रीड आपको कैसी लगती है। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लो, जिससे कि आने वाली जितनी भी डॉग्स रिलेटेड वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। जय हिंद दोस्तों।